Hello everyone. So as I said that I will make a detailed video on the annexures of Assam that will be required in NEET counseling 2023. तो मैं इस वीडियो में annexures के बारे में जितने भी चीज़ है उन सारे चीज़ को मैं completely detail में बात करूँगा. और मैंने एक post किया था जिसमें मैंने बोला था कि आप अपनी counseling के related कुछ questions है जो आप मुझे पूछ सकते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा, किसी स्टूडेंट ने annexures के बारे में पूछा, किसी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, या फिर काउंसलिंग कब शुरू होगा, इन सभी चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल में बात करूंगा. सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ जो मुझे स्टूडेंट्स ने पूछा था. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द काउंसलिंग स्टार्ट. सो काउंसलिंग कब शुरू होगा, देखिए काउंसलिंग शुरू होता है मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद. तो अभी कल तो मेरिट लिस्ट रिलीज हो गया है और अभी एक फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा. तो उसके बाद ही ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू होगा और फिर स्टेट काउंसलिंग शुरू होगा. तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल इंडिया काउंसलिंग मिड ऑफ जुलाई मतलब सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद स्टेट काउंसलिंग शुरू होगा. लेकिन एक चीज़ याद रखना है, इस बार एनएमसी ने बोला कि फर्स्ट अगस्त में ही से सभी स्टूडेंट्स का सेशन शुरू हो जाएगा, एमबीबीएस सेशन. तो आप ये मान सकते हैं काउंसलिंग लास्ट तक मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई में असम का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा. तो ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चेंजिंग कास्ट कैटेगरी लास्ट ईयर दे गिव चांस. तो कल डीएमई आसाम ने कास्ट और कैटेगरी चेंज करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है. तो मैंने कल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि आप कैसे अपना कास्ट और कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, आप कल की वीडियो देख सकते हैं. तो नेक्स्ट इज ड्यूरिंग काउंसलिंग और एडमिशन नो मेडिकल सर्टिफिकेट. तो ये मुझे बहुत सारा स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्या भैया माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, ये सब चीज़ नीडेड है क्या काउंसलिंग में. देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पर नीडेड नहीं है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन इसका काम तब आएगा जब आप एडमिशन ले लेते हो. एडमिशन लेने के बाद 2 to 3 महीने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना है, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी चेंज किया है ना, आप असम के बोर्ड से आप गुवाहाटी में मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो. तो इसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नीडेड होगा. तो आपको क्या करना, आपके पास अभी टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाकर रख लो, क्योंकि बाद में अगर फिर से आपको गुवाहाटी में जाना पड़ेगा. माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको गुवाहाटी में जाकर वहाँ पर बामनी मैदान में AHSEC उसका सेंटर है, वहाँ पर जाकर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है. तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाकर रख लीजिए, अच्छा ही होगा. और एक और चीज़, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करोगे यूनिवर्सिटी के साथ तब आपका ये लगेगा. तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपना जो स्कूल है 12 वहाँ से आप उसको बनाकर रख लीजिए अपने पास. नेक्स्ट क्वेश्चन एनेक्सर्स. ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि भैया एनेक्सर्स सेम ही है या फिर नया एनेक्सर्स रिलीज होगा. देखिए डीएमई ने तो एनेक्सर्स रिलीज करेगा, पर वही जो लास्ट ईयर एनेक्सर्स था वही रिलीज करेगा, कोई नया एनेक्सर्स नहीं रिलीज करेगा. तो आपको वेट नहीं करना है, आपको जो एनेक्सर्स लास्ट ईयर था वही आपको रेडी करके रख लेना है, क्योंकि बाद में अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा. आपको पता है कि एनेक्सर्स में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर चाहिए होगा, तो आपको वो सिग्नेचर लेना है. तो इसलिए आपको एनेक्सर्स अभी रेडी करके रखना है, आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि अभी तो मेरिट लिस्ट रिलीज हो गया ना, तो काउंसलिंग तो कब जाने शुरू हो जाएगा, वो अगर एमसीसी ने शेड्यूल रिलीज कर दिया है तो बहुत जल्दी काउंसलिंग शुरू हो जाएगा. तो इसलिए आपको क्या करना है, एनेक्सर्स अभी रेडी करके रखना है. लास्ट ईयर का जो एनेक्सर्स है वही से आपको रेडी करके रखना है. मैं क्या करूँगा, एनेक्सर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वेरीफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट. नो बट EWS वेरीफिकेशन वॉज डन. क्या वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था. देखिए वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, सिर्फ EWS का होता है. तो लास्ट ईयर तो हुआ था और जितना स्टूडेंट्स का सिलेक्शन EWS के थ्रू हुआ था तो उन लोगों को गुवाहाटी जाना पड़ा था DME के ऑफिस में. तो इस बार पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, DME अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, तो मैं तुरंत ही आप सभी लोगों को बता दूंगा. नेक्स्ट इज एनेक्सर्स. तो ये आपको करना है, यू शुड गेट रेडी एंड साइन ऑल द एनेक्सर्स बिफोर काउंसलिंग. काउंसलिंग के पहले ही आपको सारे एनेक्सर्स और डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रख लेना है. नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है PRC. देखिए PRC है एक और एक एनेक्सर 1 है, जिसमें क्या करना है, दोनों PRC के काम करता है, लेकिन जो एक्चुअल PRC है वो खुद का PRC होना चाहिए, वो आपका पेरेंट्स या फिर आपका कोई भाई और बहन उनका PRC से नहीं होगा. खुद का PRC मतलब आप असम के रेजिडेंट हो, इसके हिसाब से आपको एक PRC बनाना है. लेकिन एनेक्सर 1 में उसमें लिखा हुआ है कि आप कंटिन्यूसली असम में 20 साल से रह रहे हो. तो इसका मतलब ये है, अगर आप असम में 20 साल से रह रहे हो
तो उसके लिए आपको एनएक्सर्स चाहिए। लेकिन अगर आपका एज 20 इयर्स नहीं हुआ है, आपका एज अगर 19 इयर्स है या फिर 18 इयर्स है, तब जाके आप अपनी पेरेंट्स या फिर अपनी भाई और बहन किसी एक का नाम के हिसाब से आप एनएक्सर्स तैयार कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल पीआरसी खुद का होना चाहिए, वो आपको बनाना है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एनएक्सर्स तो आप जल्दी बना सकते हो, लेकिन जो पीआरसी है मेन पीआरसी, वो खुद का पीआरसी होना चाहिए। मैं आपको दिखा दूंगा एक्चुअल पीआरसी क्या होता है, कैसे होता है। तो ये हो गया तुम्हारा पीआरसी और एनएक्सर वन के बारे में। नेक्स्ट सीट मैट्रिक्स कब रिलीज होगा? देखिए, सीट मैट्रिक्स जब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करते हो तब जाके रिलीज होता है। जब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो ना, तब ऊपर में एक छोटा सा लिंक दिया रहता है, उसमें जाकर आप सीट मैट्रिक्स मिल सकता है, या फिर उसके पहले भी रिलीज कर सकता है। जब डीएमई ने अपने वेबसाइट पर जो बीडीएस और एमबीबीएस का रूल्स होता है उसमें वो अगर रिलीज कर दे तो सीट मैट्रिक्स भी साथ में रिलीज कर देगा। नेक्स्ट इज सिग्नेचर ऑन पीआरसी। देखिए, सिग्नेचर ऑन पीआरसी में क्या होता है कि उसमें और डीसी का तुम्हारा ई वेरिफिकेशन सिग्नेचर होता है, लेकिन एनेक्सर्स में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आपके एनेक्सर्स पर साइन नहीं करेगा, वहाँ पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रहेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन लोगों का सिग्नेचर ही होगा, किसी एक का भी सिग्नेचर होने से चल जाएगा। नेक्स्ट इज मेडिकल टेस्ट ड्यूरिंग एडमिशन। किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भैया मेडिकल एडमिशन के टाइम पर क्या क्या मेडिकल टेस्ट होता है। देखिए, ये सब फॉर्मेलिटी है, अगर आप पतला है, मोटा है, आपका कुछ बीमारी है, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेरेंट डिक्लेरेशन। हाँ, पेरेंट डिक्लेरेशन में किसका सिग्नेचर होना चाहिए? मैंने बताया था कि पेरेंट डिक्लेरेशन में किसी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई का सिग्नेचर होना चाहिए, या तो किसी हाई स्कूल का हेडमास्टर हो या फिर किसी मेडिकल पीएचसी का एक मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होने से हो जाएगा। तो ये रहा उन सारे क्वेश्चन जो मैंने, मुझे लगा कि आंसर देना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को लिया है। तो आप बात करते हैं एनेक्सर्स के बारे में। तो सबसे पहला एनेक्सर है डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स और गार्जियन। तो इसको आपको कैसे फिल करना है? देखिए, सबसे पहले आपको इधर इन द इवेंट ऑफ माय सॉन और वार्ड और सिमिति, मतलब यहाँ पर आपका पेरेंट्स का नाम होना चाहिए। देखिए, ये डिक्लेरेशन आपका पेरेंट्स ले रहा है कि मेरा बच्चा या फिर मेरा सन डॉटर, और उनका नाम से ही आपका पेरेंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका पेरेंट्स का नाम होना चाहिए। बींग एडमिटेड इन एनी हॉस्टल आई शेल बी रेस्पॉन्सिबल, आप इसको पढ़कर आप देख सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि पहले यहाँ पर आपका पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, फिर यहाँ पर सिग्नेचर, और अब यहाँ पर सिग्नेचर आता है। यहाँ पर तो आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, और यहाँ पर आप एक किसी भी गैजेटेड ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ होम द पेरेंट गार्जियन पुट हिज और हर सिग्नेचर। तो सपोज आपने यहाँ पर किसी एक हेडमास्टर का सिग्नेचर लिया है हाई स्कूल का, या फिर आप किसी भी पीएचसी का मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर आप ले सकते हो। तो ये आपका ऊपर निर्भर करता है कि आपको किसका सिग्नेचर चाहिए। तो मैंने तो मेरा एनेक्सर्स में मैंने एक मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर लिया था, और याद रखना यहाँ पर उस ऑफिस का ऑफिसर का सील विथ सिग्नेचर होना चाहिए, डेजिग्नेशन यहाँ पर होना चाहिए और सील होना चाहिए और सिग्नेचर दोनों होना चाहिए। तो ये रहा पहला एनेक्सर। तो आप बात करते हैं एनेक्सर वन का और शेड्यूल वन का एनेक्सर वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज पर द एडमिशन रूल फॉर एमबीबीएस बीडीएस कोर्स, दिस सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड टू ओनली वन, दैट इज इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट और हीज और हर फादर और हु सो एवर रिसाइडिंग इन असम कंटिन्यूअसली फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर। मतलब अगर आपका 20 ईयर्स हो गया है असम में रहते हुए, तब जाके आप इसका एनेक्सर वन आपका नाम पे बना सकते हैं। अगर आपका 20 ईयर्स नहीं हुआ है तो आप अपने पेरेंट्स या फिर अपनी कोई रिलेटिव्स हो या फिर अपने भाई बहन किसी एक का नाम के ऊपर आप इसको बना सकते हैं। तो सपोज आपने इसको अपने पेरेंट्स के नाम पर बनाया है, तो आप यहाँ पर पेरेंट्स का नाम होना होगा, या फिर आपका खुद का नाम अगर आपका 20 इयर्स हो गया, या फिर आपका कोई भाई और बहन का नाम हो सकता है। तो इसी तरह आपको इसको ऐसे ही फिलअप करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर और हिज और आर कंसर्न ऑथोराइज ऑफिसर। मतलब यहाँ पर जो डीसी आपको यहाँ पर साइन नहीं करेगा, तो आपको एडीसी का साइन या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन या फिर एसडीएम का साइन, इन सभी का साइन सिग्नेचर होने से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑफिसर का फुल नेम और सील विद सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर डेट आपको देना है। तो ये हो गया पहला एनेक्सर। फिर आता है एनेक्सर टू। ना एनेक्सर टू शेड्यूल वन के अंदर आता है, जिसमें अगर आप किसी भी अगर आपने क्लास 1 to 12 तक आपने डिफरेंट स्कूल से पढ़ाई की है, तब जाके आपको एनेक्सर्स एनेक्सर टू में
टेनेक्सर टू फिलअप करना पड़ेगा। देखिए, सेपरेट सर्टिफिकेट इन दिस फॉर्मेट शेल हैव टू बी सबमिटेड इफ स्टार्टेड एट मोर देन वन स्कूल। प्लीज डू कॉपीज ऑफ दिस फॉर्मेट अकॉर्डिंगली बिफोर फिलिंग अप। तो अगर आपने डिफरेंट स्कूल से आपने पढ़ाई किया है तो सेपरेटली आपको इसका डिफरेंट फॉर्म देना पड़ेगा। सपोज आपने क्लास 7 से 10 तक एक स्कूल से किया है, तब आपको इसका एक अलग से होना चाहिए। फिर अगर आपने 11 और 12 किसी सेपरेट स्कूल से किया है, तब आपको इसका एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि किसी स्टूडेंट्स ने क्लास 1 to 3 से अलग से किया है, फिर 3 से 4 अलग से किया है, फिर 5 से 8 तक अलग से किया है। तो उनका केस में मैं ये बोलूँगा कि आप एक बना लीजिए, आप 7 to 10 तक आपने कहाँ से किया है और आप 11 और 12 आपने कहाँ से किया है, दो एनेक्सर से मुझे लग रहा है तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा ही हुआ है। फिर आपको यहाँ पर खुद का नाम, यहाँ पर आपका पेरेंट्स का नाम, यहाँ पर आपका मम्मी और रेजिडेंशियल एड्रेस देना है। फिर यहाँ पर आपके आपको देना है कि आप उस स्कूल में कब एडमिशन लिया है, फिर क्लास में कौन सा क्लास में आपने एडमिशन लिया है, फिर आपने इस स्कूल को कब से आप उसने छोड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर होना चाहिए, यहाँ पर उनका सील और डेट होना चाहिए, और यहाँ पर फुल नेम होना चाहिए। तो इसका अगर आपने क्लास 11 और 12 सेपरेट स्कूल से किया है, तब इसका एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 आपको कैसे फिलअप करना है। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट एनेक्सर 3 में बारे में। देखिए, एनेक्सर 3 इज अ सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर। सेम वैसे ही, पर ये आपको एनेक्सर 3 कैसे, एनेक्सर 3 में सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। जो लोग ओबीसी कैंडिडेट के थ्रू सिलेक्शन लेंगे उनके लिए ये मास्ट है, एनेक्सर 3 उनको चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका सबकास्ट है और किसी कम्युनिटी है तो यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर और आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी, मतलब जहाँ से आप इशू कराएंगे, या फिर डीसी और एसडीओ और एसडीएम या फिर डीएम किसी भी एक का सिग्नेचर होने से हो जाएगा। फिर आते हैं एनेक्सर 4, ये एससी कैटेगरी के लिए है। सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी के लिए जैसे था वैसे ही आपको एससी कैटेगरी में आपको फिलअप करना है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं एसटी प्लेन का होगा और एसटी हिल का एनेक्सर्स 5 है। फिर एनेक्सर 6 है फॉर टीजीएल और एक्सटीजीएल कम्युनिटी। और फिर आते हैं एनेक्सर्स 6-7 है फॉर द कैंडिडेट इन अगेंस्ट स्टार एरिया कोटा। फिर आता है एनेक्सर 8, दैट इज़ फॉर द डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन डिफेंस सर्विंग पर्सनल हेलिंग फ्रॉम आसाम। एंड नेक्स्ट आते हैं एनेक्सर नंबर 9 है एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस और पर्सन किल्ड, उनका अगर सॉन, डॉटर या फिर भाई और बहन हुआ। और फिर आते हैं शेड्यूल्ड 2 डीड ऑफ एग्रीमेंट। तो जानिए ईडब्ल्यूएस का कोई एनेक्सर्स नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए आता है। तो आपको सिर्फ एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 ही चाहिए और बाकी एनेक्सर्स नहीं चाहिए होगा। डीड ऑफ एग्रीमेंट अभी नहीं, शेड्यूल 2 ये आपको बाद में करना है, जब आप एडमिशन ले लोगे। एडमिशन लेने के बाद इसको आपको सबमिट करना है, ये अभी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनेक्सर्स। तो आई होप मैंने एनेक्सर्स के बारे में जितने चीज़ चाहिए उन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए होंगे, और आप लोगों को सभी को समझ में आ चुका होगा कि आपका एनेक्सर्स कैसे फिल करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एनेक्सर्स जल्दी से जल्दी फिलअप करके रख लेना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर आपको काउंसलिंग भी करना है और एनेक्सर्स आपको ऑनलाइन में देना है, और फिर एडमिशन के समय पर कॉलेज में भी आपको सबमिट करना है एनेक्सर्स। दोनों जगह में चाहिए, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के समय पर चाहिए और फिर एडमिशन के टाइम पर कॉलेज को देना है एनेक्सर्स। इसलिए आपको एनेक्सर्स जल्दी से जल्दी रेडी करके रख लेना है। तो आई होप मैंने जितनी भी चीज़ बताया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।